गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आपकी मैथ की क्लास के अंदर। ठीक है, चलो, सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है, कमेंट कर दीजिए प्लीज एक बारी कि ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी के पास? चलो देखो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी आपकी क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, जिससे आपको जो भी क्लासें होगी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपके नोट्स, आपकी PDF सब आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई क्लास नहीं भी होगी बाय चांस तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको इसके माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, चलो देखो, सीटेट वाले सभी के लिए बता देता हूँ एक बार फिर से, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो कृपया क्लासें अपनी पूरी जरूर देखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नितेश, पूर्णिमा, सोनाली, राठौर जी, गुड मॉर्निंग रजनी जी, मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सीटेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर जो भी नए हो उन सभी के लिए एकदम फ्री क्लासें हैं, जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे। चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रतिशतता के अंदर आप सभी को मैंने सब लगभग सारी प्रतिशतता के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिशतता के बाद में, अभी तक आपका प्रतिशतता का लास्ट टॉपिक जो रह गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश की क्लास कैसे नहीं हो रही? हो रही है 1 बजे। अभी कुछ दिनों से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपकी क्लासें नहीं हो पा रही होगी। चलो, हो जाएगी, इंग्लिश की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रतिशतता के बारे में। मैंने लगभग आपका पूरा प्रतिशतता कंप्लीट कर दिया है। आपका जो चुनाव से आधारित जो क्वेश्चन थे, चुनाव पर और मिश्रण से आधारित जो क्वेश्चन थे, आज हम इसमें कर लेंगे वो भी। ठीक है, फिर आज की आपकी जो प्रतिशतता वाली क्लास है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको प्रतिशतता एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करी है। जिसने वो क्लासें देखी है तो आपको समझ लो कि आपके जो भी बड़े क्वेश्चन है ठीक है, चलो चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बारी किस प्रकार से करना है, फिर आप इसके अकॉर्डिंग आपको ही करना है। देखो, एक चुनाव में आपके पास 2 उम्मीदवार दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो विजेता और एक लूजर, ऐसे तो बहुत खड़े होते हैं, लेकिन आपको 2 चुनाव है। ठीक है, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं। ठीक है, यानी 38% आपको मत मिले हैं, और 72,000 मतों से वो क्या हुआ, पराजित हुआ है। ठीक है, तो समझ लीजिए आपको दिया हुआ है क्या, उम्मीदवार एक दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार है और आपके पास सेकंड उम्मीदवार है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर आपको बात करते हैं, इसको मान लो कि आपके पास 100% आपके पास वोट देने वाले हैं। कितने प्रतिशत वोट देने वाले हैं? 100% वोट देने वाले हैं, और एक उम्मीदवार को आपके 38% क्या मिले हैं, वोट मिले हैं। ठीक है, 38%। तो अब एक बात बताइए, जब 100% मानते हो, 38% आपको फर्स्ट को मिला है, तो सेकंड को कितना मिला है? सेकंड को आप सभी को पता है सेकंड को कितना मिला है, सेकंड के आपके पास अगर 100 से माइनस करोगे 38, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 और 6। ठीक है, 62 आपके पास बचेगा, यानी दूसरे के पास कितना है, 62% है। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि 62% आपके जिसके वोट आए हैं वो विजेता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मत मिले और 7200 मतों से क्या हुआ, पराजित हुआ, यानी इसके पास जितने मत थे उससे क्या मिले हैं, 7200 कम मिले हैं। अगर इन दोनों का हम अंतराल करते हैं, इन दोनों का अंतराल करते हो, तो 12 में से आपका 8 गया तो आपके पास 4 बचता है, 5 में से 3 गया तो आपके पास 2, यानी 24% है। और 24% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 7200 आपके पास इसकी मतों की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 7200 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7200। ठीक है, ये है, आपको पूछा है कि वेद मतों की कुल संख्या कितनी, यानी टोटल मत कितने पड़े हैं, 100%।
तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ऊपर रख दीजिए। बस इसे काटोगे तो आपको काटने पर 24 आपके पास 72 बचता है, ठीक है, 3 बार में आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 30,000 आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा, इजी तरीका है, ठीक है, आंसर निकालने का। बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि 38% मत किसी को किसे मिले हैं और आपको इन दोनों का अंतराल कितना दिया हुआ है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है, चलो आ जाइए। इसका राइट आंसर आपके पास 4 है। अब उम्मीदवार आपके पास अगर 2 के अलावा 3 दिए हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो पहले आपको रखना क्या है, तीनों उम्मीदवारों के आप नाम रख दीजिए, यानी फर्स्ट रख दो, सेकंड आपके पास रख दिया गया है और थर्ड भी आपके पास रख दिया गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, ठीक है। 24% क्या अंतराल है प्रतिशत में, प्रतिशत है आपके पास 24% आपका है, ठीक है, अंतराल करोगे तो, ठीक है। चुनाव 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, चलो ठीक है, 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, प्रत्येक प्रत्याशी को 40%, यानी पहले प्रत्याशी को आपको कितना मिला है, 40%। मैंने पहले प्रत्याशी के पास लिख दिया है 40% इसको मिला है, ठीक है। उसके बाद में और दूसरे को 36% मत मिले हैं, 36% आपके पास क्या मिले हैं, मत मिले हैं आप, ठीक है। यदि मतों की कुल संख्या आपके पास इतना दिया हुआ है, 36,000 ही, तो तीसरे प्रत्याशी में कितने मत मिले। अब एक बात बताइए, जब 40% एक को मिले हैं, टोटल कितने हैं वोट देने वाले, 100%, ठीक है, 100 में से आपको 40 को फर्स्ट मिले हैं, सेकंड को 36 मिले हैं। अब आपके पास बचा कितना, इन दोनों को क्या करना है, पहले इन 40 को और 36 को ऐड कर दो, ठीक है, 40 और 36 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना हुआ, 76 हो गया, 76% इन दोनों का है, 100 में से आपका 76 गया तो आपके पास कितना बचा, 4, और आपके पास यहाँ कितना बचा है, 2 बचेगा ना, 8 में से 9 में से आपके पास 7 गया तो 2, ये प्रतिशत में है, ठीक है। अब आपका ये क्या है, थर्ड वाले कितनी आ गई, 24%, ठीक है, क्लियर है, 24%। अब देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, मतलब जो 100% आपके पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 3600, यानी 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 36,000 आपके पास वैल्यू है। अब आपसे जो भी संख्या पूछते हैं उसकी वैल्यू रख दीजिए। देखो तीसरे प्रत्याशी की बात पूछ रहा है कि तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले हैं, तो तीसरे प्रत्याशी को क्या करना है, 24, तो 24 को ऊपर रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन चाहिए, अब इसको क्या करना है, आपको 00 से आपके 2 जीरो मैंने कैंसिल कर, ठीक है, कर दिए। अब आपको क्या करना है, 36 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो, 36 जीरो भी है इसके साथ और 24 जीरो को बाद में रख लेना, ठीक है, पहले 6 चौका आपके पास 24 होता है, ठीक है, 2 हासिल लग गई है, 4 3 12 12 2 आपके पास 14, ठीक है, 6 दूनी आपका 12, 1 आपके पास बचा है, 3 दूनी आपका 6 और 1 7 होता है, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 6 और 8 हो गया, ठीक है, तो आपके पास कितना हुआ है, 8640, ठीक है, तो आपके पास 8640 आपके पास, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है आपके पास, इसके अंदर ऑप्शन आपका कितना है, 2 आपके पास राइट आंसर है। बताइए इसमें किसी को, इसमें प्रॉब्लम क्या आई है ये बता दीजिए। 3 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, मैंने रख दिए तीनों प्रत्याशियों के नाम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके पास, ठीक है, चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% मत मिले हैं, मैंने 40 लिख दिए हैं यहाँ, 40% मत मिले, दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, 36%, मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि यदि मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी 100% जो आपके पास टोटल हमने माने हैं, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 36, ठीक है, थर्ड की वैल्यू आप किस प्रकार निकालोगे, कि देखो आपके पास एक को मतलब 100 वोट है आपके पास, 100 वोट्स में से 40 को एक मिले हैं, 40 को मिले हैं, मतलब फर्स्ट को 40 वोट मिले,
दूसरे को आपको 36 वोट मिले हैं, तो तीसरे को किस प्रकार वोट निकालते हो आप, तीसरे को इन दोनों को ऐड कर लो, 100 में से माइनस कर दो तो आपके पास 24 आता है, ठीक है, और ये प्रतिशत में है, ठीक है। आपको देखो 100 की वैल्यू, मैंने कहा कि 100 की वैल्यू आपके पास 3700 है और 24 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसलिए आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8640 आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बारी क्लास को दोबारा देख लेना, आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे डाउट नहीं रहा फिर भी पता नहीं, चलो देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ठीक है, जिनमें एक प्रत्याशी को 65% आपके पास मत प्राप्त हुए, ठीक है, 2100 मतों से क्या हुआ, वो विजय हुआ, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, ये बताने हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलो इसे करिए, कौन कौन कर पाएगा देखते हैं, इसका समझ में आया या नहीं, नहीं आया फिर मैं बताने वाला हूं, ठीक है। निकालिए, प्रैक्टिस कर दीजिए जिससे आपका आंसर आएगा, अगर जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं बाद में बताऊंगा, तो आपको जहां प्रॉब्लम होगी वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताना है मेरे को, कौन आंसर बताएगा सबसे पहले, जैसा भी आंसर हो निकालने की कोशिश करो, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका टाइम लेकर आऊंगा मैं, टाइम और वर्क वाला टॉपिक, ठीक है, टाइम वर्क वाला टॉपिक, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, वो चलेंगे। जल्दी से कीजिए, जैसा हो, 3 के अंदर ए आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है, रोहित कुमार का सबसे पहले आंसर आया है, और इन्हीं के अभी पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था लेकिन इनका आंसर सबसे पहले आया है, ठीक है। दूसरा रजनी जी का आया है, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, 7000 आंसर आया है, चलो देखते हैं, चलो जिसके भी आंसर आए हैं, जिसके नहीं आए, जहाँ भी प्रॉब्लम है देख लेना कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई। देखो किसी चुनाव में आपके पास दो प्रत्याशी दिए हुए हैं, मैंने सबसे पहले लिखा है फर्स्ट और सेकंड, दो प्रत्याशियों के बारे में, ठीक है, दो प्रत्याशी थे, यहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यहाँ तक के, ठीक है, आगे पढ़िए। जिनमें एक प्रत्याशी को कितना मत मिला है, 65% मत प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 2100 मतों से विजयी हो गया, तो बताओ कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं। इजी टाइप का है, कोई खास नहीं है। देखो पहली बात करते हैं, पहले को मिले हैं 65, ये बताइए दूसरे को कितने मिले, टोटल हमने 100% माना है, 100 में से आपका फर्स्ट को मिले 65 और दूसरे को मिलेंगे कितने, 35%, ठीक है। चलो मत प्राप्त हुए हैं, वह 2100 मतों से विजयी रहा, इन दोनों का अंतराल निकालो, इन दोनों का अंतराल निकालोगे तो आपके पास कितने प्रतिशत आया है, 30%। कितना प्रतिशत आया है, देखो 30% वैल्यू इनकी कितनी है, 30%। अब देखो कितने मतों से विजय रहा, इससे अगर कितने मत विजय हैं, 30% मत विजय हैं जो आपके पास सामने दिए हुए हैं 21, ठीक है, यानी 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 21, ठीक है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार या कितने मत पड़े हैं, चलो देखते हैं किसका आंसर होगा। 30 दे दिया है, अब आपको कुल पूछा है 100 की वैल्यू निकाल, 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया है, 3 से काटोगे, 3 7 21, यानी आपका कितना बनता है, 7000 आपके पास राइट आंसर बनता है, ठीक है। तो आपकी कहाँ गलती हुई, ये चीज देख लीजिए कि आपकी कहाँ गलती हुई, ठीक है। ओके नितेश जी, आपका डी आया है, अब कारण देख लीजिए कि आपका क्यों आया है, ठीक है, कहाँ पे आपने गलती की है, ठीक है। और जिसका ए आया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको देखना है, इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में कुल मतों के 20% आपको अवैध घोषित किए गए हैं,
चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों का कितना मिला है? 70% प्राप्त हुए हैं। हारने वाले व्यक्ति को 2880 यानी कि 2880 मतों से हार गया है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, इसका बताना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो कुल मतों को आपको 100 मानना है, ठीक है, दो आपके पास होते हैं लेकिन इसमें पहले से 20% को आपको अलग निकालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको दो प्रत्याशियों में से 70% वैध मत मिले हैं तो वो बताना है, और फिर उसमें बचे जो, ठीक है। चलो हो जाइए शुरू, देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको यहाँ से, इसने 20% अवैध कर दिए हैं टोटल का, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा अवैध टाइप का क्वेश्चन है। चलो मैंने कहा कि आपके पास 100% वोट है, ठीक है, 100% के अंदर देखो चुनाव में कुल मतों का यानी जो 100% है उसका 20% अवैध घोषित कर दिया है, जो अवैध घोषित कर दिया उसको कैंसिल कर दो, मतलब कैंसिल कर दिया, 100 में से आपका 20% गया तो आपके पास 20 को तो हटा दीजिए, अब बचे कितने आपके पास 80 वोट बचे, ठीक है, यानी 80% में रखना है, ठीक है, 80 पड़े हैं। अब उसके अंदर से यानी 20 तो अवैध घोषित कर दिए उनकी तो गणना ही नहीं करते, अब जो 80 हो गए उसमें से आपकी गणना होगी। इसने कहा कि दो प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी मैंने मान लिए आपके पास, ये दो प्रत्याशी मान लिए फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसमें दो प्रत्याशियों में एक वैध को यानी एक को वैध मतों का कितना मिला है? देखो वैध मत कितने 80%, ठीक है, 80% है, और 80 का क्या करना है, वैध मतों का कितना मिला है 70%, यानी एक व्यक्ति को कितना मिला है 70% आपको वैध मतों का मिला है। 20 से मैंने 20 कैंसिल कर दी, 7-8 आपका 56, यानी एक व्यक्ति को वैध मतों का कितना मिला है 56, यानी कि इसमें मिला है आपको 56, ठीक है, 56%। अब आपको ये बताना है जब आपके टोटल मतों में से कितने पड़ रहे हैं, 80 में से पड़ रहे हैं, तो 80-56 मिल गए इसको, तो आपका कितना बचा है? देखो 80 में से माइनस करो 56, अगर 56 माइनस करते हो तो कितना बचता है आपके पास, 75 गए तो 2 आपके पास बचा है, 24 यही बचा है, 24 आपके पास बचा है, ठीक है। अब 24% आपके पास बचा है, समझना है एक एक चीज को, ठीक है। 70% प्राप्त हुए, यदि हारने वाला व्यक्ति या हारने वाला व्यक्ति कितना है, हारने वाले व्यक्ति 2880 मतों से आ रहा है, अब इन दोनों का अंतराल आपके पास कर देना है। अब दोनों का अंतराल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से आपका 4 गया, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 56-24, तो आपके पास देखो कितना बचा है 3, यानी 32% बचा है, ठीक है। अब 32% जो आपके पास बचा है, 32% अंतराल है ना इसका, 32%, 32% किसके बराबर है, ठीक है, 2880 के बराबर है, ठीक है। अब जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है उसका मान निकाल लीजिए, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, टोटल मत कितने पड़े हैं, 80%, 80% भी, ये तो मतलब पड़े तो टोटल 100% है, लेकिन 20% क्या है, पड़े तो टोटल 100 है लेकिन कितने अवैध है, 20%, इसने पूरे वैध नहीं पूछे। अगर इसमें क्वेश्चन इस प्रकार घुमा होता, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पूछा जाता कि कुल वैध मतों की संख्या बताइए, कुल वैध मतों की, तो वैध मतों में आपको क्या करना है, 80 रखना है, देखो इस चीज को ध्यान से समझना है, 80 रखना है। अगर आपसे पूछा कि कुल चुनाव में कितने प्रतिशत ने भाग लिया है, तो आपको क्या रखना है, 100 रखना है, भाग तो सोने ही लिए थे, अवैध हो गए उसकी बात अलग है, ठीक है, अवैध होने के बात अलग है, लेकिन आपको चुनाव में भाग तो इसने लिए थे ना, इसलिए 8 से काटोगे तो 8 से काटोगे तो कितना हो गया, 8 आपके पास 24 होता है, 4 बच गए, 8 आपके पास 48, 8 आपके पास 32, 4 आपके पास 36, 90 होता है, यानी आपके पास राइट आंसर कितना होता है, 9000, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो पूछ सकता है कि सर हमें ये चीज़ बताइए कि इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलने की तरफ से पहले बता दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है कि हमें तो वैध मत बताइए, यहाँ पे चुनाव में भाग लेने वाले नहीं पूछे, आपसे वैध मत पूछते हैं, तो आपको क्या करना है, 100 दिया हुआ है, वही 32 इंटू आपको क्या करना है, 2880 अगर काटते हो तो आपके पास 90 बचता है, ठीक है, यहाँ पे 80 कर लेना, अगर वैध मत पूछे तो कितना हो जाता है, 8-72, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, आपके पास 7200, ठीक है, ये है वैध मतों की संख्या।
क्लियर है। चलिए आगे की तरफ। राइट आंसर सभी के सामने हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, 10% ने प्रयोग ही नहीं किया है। अब आगे आपको देखना है, इस क्वेश्चन को अब आपको करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओगे कि सर इसमें ऐसा होगा। चलो हो जाइए शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, चलो इस क्वेश्चन को आप करके लाना है, चल इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लाओगे, ये आपके काम के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके काम के लिए है, ठीक है। इसको कैसे भी करके आप सोल्व करके लाना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आंसर पे ध्यान मत देना, जरूरी नहीं है आंसर यही हो, ठीक है, आंसर जरूरी नहीं यही आंसर। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी तरफ, जब तक इन क्वेश्चनों को करते हैं। उस क्वेश्चन को आपके करके लाना है आप सभी को, और ध्यान रखना है वो क्वेश्चन रिलेटेड है आपसे पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सब सेम डिटो वैसा का वैसा है, ठीक है, सेम आपके पास। जैसे मैंने 20% अवैध घोषित किए हैं वैसे ही सेम डिटो वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। चल एक क्वेश्चन ये देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है, उनमें से 60% मत मिले हैं और वह 1600 मतों से जीत गया है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। इसका आंसर इजी होगा, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके साथ आज हम मिश्रण वाले भी कर लेंगे, ठीक है, मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको कहा गया है कि 300 ग्राम चीनी है के अंदर आपका 300 ग्राम चीनी का घोल है, ठीक है, के अंदर पूछा जाता है कि आपके इस घोल के अंदर 30% चीनी है, ठीक है, 20% पानी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर 8000 आपके पास आंसर आया है, रजनी जी का सबसे पहले आंसर आया है, ओके। चलो और किसी का आंसर, सी आंसर, अब तो सभी का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत, चलो अच्छी बात है, सी आंसर आया है सोनाली जी का भी, ओके। चलो एक चुनाव में दो उम्मीदवार दिए हुए हैं, दो उम्मीदवार, वही तरीका रखना है, कोई भी इनमें अलग सा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको काम के लिए दिया, ओके, वो क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे। चलो देखते हैं, इसमें दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है, उसमें एक को 60% मत मिले, कितने प्रतिशत मत मिले, 60% आपके पास मत मिले, ठीक है, 60% आपके पास मत मिले हैं फर्स्ट वाले को, किसी को भी मान लो फर्स्ट या सेकंड, 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया है, यानी आपके पास जब फर्स्ट के पास आपके पास कितना है 60% है, तो दूसरे के पास आपका 40% होगा, दोनों का अंतराल करते हो तो आपके पास कितना बचता है 20%, ठीक है। अब 20% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 20% की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 1600, ठीक है, अब 1600 दी हुई है, मतों से जीत गया है, तो आपसे पूछा तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, ठीक है, अब इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 0 से आपका 0, 2 से काटोगे 8, यानी आपका होता है 8000, ठीक है, ये आपका क्लियर। चलें आगे, इसका राइट आंसर है, चलें अब देखिए मिश्रण पर आधारित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 kg आपके पास पानी और चीनी का घोल है, ठीक है,
यानी 1 kg चीनी का घोल है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीनी का घोल दिया हुआ है आपके साथ, ठीक है। अब जब घोल दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि 30% आपके पास क्या दिया हुआ है, 30% आपको दिया हुआ है उसके अंदर चीनी, इसके अंदर 30% आपकी चीनी है, ठीक है। अब 30% आपके पास चीनी है तो अब पानी कितना प्रतिशत बचा है, देखो इसको मान लो 100, ठीक है। तो 30% चीनी दी हुई है, ठीक है, तो 30% चीनी है तो बाकी कितना बचा, 70%, ठीक है, 70%। अब एक बात ध्यान से देखना है, जितनी भी हो इसमें कहा गया कि इसमें से मैंने 20% चीनी और मिला दी, चीनी भी मिला सकता है, पानी भी मिला सकता है, ठीक है, शुगर और वाटर, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब मैंने इसने कहा कि इसमें एक्स प्रतिशत आपको क्या मिला दी, शुगर, यानी पता नहीं कितनी चीनी मिलाई है, यही आपको बतानी है कि ये चीनी कितनी है, ठीक है, ये चीनी कितनी है। अब इस चीनी को बनाने के लिए आपको जो चीनी डाली है तो उसका मान आपके पास कितना हुआ है, चीनी डालने के बाद इसके अंदर इसकी वैल्यू हुई है 40%। चीनी डालने के बाद शुगर का प्रतिशत कितना हुआ, 40%। अब एक बात बताइए, जो 40% आपके सामने दिया हुआ है तो 100 में से 40% ये हो गया, कितना बचा यहाँ पे, 60% ये बचा है, ठीक है। अब जब 70% की आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अब इसमें जब परिवर्तन ही नहीं हुआ तो 60% की वैल्यू जो भी आपके पास जो यहाँ पे दी हुई है उसको यहाँ पे रख लेना, ठीक है, और जो वैल्यू आपके पास इसकी निकालनी है उसको यहाँ पे रख लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझा दूंगा, पहले इस नॉर्मल चीज को आप ध्यान से समझ, ठीक है। अब आप यहाँ रखोगे यानी काटोगे कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास प्रतिशत में नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा नॉर्मल आंसर आएगा। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू जहाँ यहाँ पे आएगी उसको इसमें से माइनस करना है, जिससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और समझेंगे, पहले इस चीज को समझ लो। अब जो आंसर आएगा इन दोनों में से घटाने पर आपका आंसर वो यही रहेगा, कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिलाई है। देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। देखो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक 30 लीटर क्या है, मिश्रण दिया हुआ है, कोई भी है तो उसके अंदर आपके पास 30 लीटर आपके पास क्या है, मिश्रण है, ठीक है। ये अपने आप के अंदर क्या है, 100%, अपने आप में 100% है, ठीक है। इसने कहा गया है कि जिसमें 90% एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, हमने यहाँ पे रख ली एल्कोहल, ए रख लिया और एल्कोहल के अंदर वाटर डाल देते हैं, चलो वाटर डाल दिया, ठीक है। इसमें कहा गया कि 90% आपके पास कितना है, एल्कोहल है, 90% जब आपके पास एल्कोहल है तो आपके पास कितना बचा, ये आपके पास बचा है 10%, ठीक है। अब मैं बात करूं कि 100% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 300, ध्यान से देखें, 100% की वैल्यू 300 दी है। अगर मैं 90 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 90 यहाँ पे रख दीजिए, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर, तो कितना बचा, 9, कितना बचा, 30 है ना, यहाँ पे जीरो नहीं है, 300 नहीं है, 30 है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब मैं देखो 9 30 27 होता है, यानी आपके पास कितनी है, 30 लीटर में से आपके पास 27 लीटर क्या है, 27 लीटर आपके पास एल्कोहल है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्या है, 27 लीटर एल्कोहल है, बाकी कितना बचा, 30 में से 27 गया तो आपके पास 3 लीटर क्या बचा है, 3 लीटर आपके पास बचा है वाटर, ठीक है। इतना हमने मिला लिया है, मिलाया नहीं है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब आगे पूछता है कि कितना पानी मिलाया जाए, देखो हमें पता नहीं है पानी कितना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है, कितना पानी मिलाए कि एल्कोहल 80% हो जाए, क्या करना है, 80% एल्कोहल हो जाए, यानी एल्कोहल की वैल्यू पहले 90 थी, अब कितनी हो जाए, 80। अब एक बात बताइए, जब आपके पास ये 80% है तो ये कितनी प्रतिशत होगी, ये 20% होगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपके इन जो मिक्सर वाले क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो देखते हैं, यहाँ 80% हो गया और यहाँ पे आपके पास 20%, ठीक है। अब मैंने कहा कि 80% की वैल्यू आपके सामने देखो क्या दी हुई है, 27 दी हुई है कि नहीं, क्योंकि देखो 80% की वैल्यू आपके पास 27 दी हुई है, कारण समझ गए होंगे, प्रतिशत को नहीं रखना है आपको, ठीक है, 80% 90% के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ये जो संख्या है 27 आपके पास अब भी वही है, यानी 27 लीटर एल्कोहल था पहले भी और अभी भी 27 लीटर ही है, ठीक है। परिवर्तन किस में हुआ है, परिवर्तन वाटर में हुआ, ठीक है, चलो परिवर्तन वाटर में हुआ है, तो 80 मैंने यहाँ पे रख दिए, 80 की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 27 दी हुई है, वैल्यू किसकी निकालनी है, 20% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 20% की वैल्यू निकालोगे,
ठीक है, तो काटोगे तो कितना हो गया 4 बार में, यानी 27 बटे आपके पास कितना बचा है, 27 बटे आपके पास बचा है 4। अगर 4 से काटते हो, 4 7 4 6 24 कितना होता है, 4 6 24 6 हो गया आपके पास, 4 6 24 यहाँ रख देता हूँ मैं, 4 6 24 आपके पास बचा कितना है, 4 3 बच गए, और फिर मैं दशमलव लगा देता हूँ, ठीक है, 0 बता, 4 4 6 24, 4 7 28, ठीक है, 4 7 28 2 बज गए, 4 5 20 आपके पास टोटल की संख्या कितनी हो गई, यानी टोटल आपका 20% की वैल्यू आपके पास 6.75, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि पहले तो 3 थी, अब हो गई 6.75, यानी मिलाया कितना है, माइनस कर दो 3 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 753, ठीक है, 3.75, ठीक है। अब ये चीज भी आपके सामने देखो ऑप्शन में, यहाँ तो लगभग सेम है, आप ये भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं करना है आपको। ये पूछा है कि मिलाया कितना है, ये नहीं पूछा कि अब कितना हो गया। अब अगर यहाँ पे ये दिया होता कि अब कितनी वैल्यू हो गई है, वाटर की संख्या कितनी हुई है, या वाटर का आयतन कितना हो गया है, अगर ये पूछा जाता है यहाँ पे, अगर वाटर का आयतन, तो आपको सीधा रखने है कि 6.75, ठीक है, ये रखना है। अगर इसने ये नहीं कहा गया कि आपको मिलाया कितना, ये पूछता है अधिकतर, अगर मिलाया पूछा है तो आपको इसमें से माइनस करना है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए कोई खास बात नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन आप सभी करोगे मिलकर, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आप सभी, जैसे भी हो सके आपसे करना है, एक बार आप समझ गए होंगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो निकालिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी देख रहे हैं लगभग सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए। टाइम वाला जो टॉपिक है वो चलेगा कल, ध्यान रखना, टाइम वाला जो टॉपिक है कल वही चलेगा, सिलेबस में है टॉपिक वो चलेगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से बताइए। देखें, देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए। देखो मैथ की एक खासियत है, वो आपके पास हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, जब भी आपकी प्रैक्टिस छूटी तो आपका और किसी का दिमाग घूमा है। चलो बताइए, चीनी ही चीनी है। एक बात बताइए, घोल, जब चीनी का घोल होता है, क्या चीनी चीनी होती है क्या घोल के अंदर? अब आप बताइए, जब चीनी का घोल है तो
तो घोल के अंदर होता क्या है? और तेल में घोलते हो क्या चीनी को? नहीं, किसमें घुलती है चीनी? चाय मत बताना, कोई भी चाय नहीं बताएगा। घोल किसका होता है? चाय तो चाय होती है, घोल थोड़ी होता है। मिलाने के लिए नहीं कहा है, मान तो सकते हो भाई। आपने ये कहा गया है कि 300 ग्राम चीनी है, चीनी के घोल में घोल दिया हुआ है, मतलब घोल के अंदर कुछ ना कुछ घुला हुआ है, ठीक है? तो चीनी और वाटर दोनों चीजों को मान लीजिए, ठीक है? उसमें भी सेम डिट्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। रोहित का आंसर आया है 2 में A आंसर। प्रियंका का आया है 60 ग्राम। चलो और किसी का, चलो देखते हैं किसका किसका आता है। 300 ग्राम चीनी है, घोल है, चीनी नहीं है, घोल है। और घोल के अंदर आप घोलोगे तो किस किस को घोलोगे? चीनी को, शुगर और वाटर, यही होते हैं दो चीज, ठीक है? इसने कहा है कि चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितना प्रतिशत चीनी है? 40% आपके पास क्या है? चीनी है। बचा कितना आपके पास? जब 40% आपने चीनी घोली है, 100% के अंदर आपके पास, यानी 100% घोल है और उसके अंदर 40% तो उसके केवल और केवल चीनी है, तो उसके बाद में क्या बचेगा? वाटर। कितना प्रतिशत बचा है? 60%, ठीक है? 60% बचा है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? पता नहीं चीनी कितनी मिलाई जा रही है, प्लस कर दो, ठीक है? एक्स ये निकालनी है आपको। मिलाई जाए कि नए घोल में 50% आपके पास क्या हो? चीनी हो जाए, यानी आपके पास क्या हो जाए? 50% की वैल्यू क्या है आपके पास? चीनी हो जाए, तो आपके पास कितना बचेगा? 50%, ठीक है? अब आपको पहले क्या करना है, 300 का आपको 40% निकालना है, और 300 किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 300 है, ठीक है? अगर 40 की वैल्यू निकालते हो, 40 की वैल्यू निकालते हो तो कितना हुआ आपके पास? 4 थी आपके पास 12, मतलब शुगर की वैल्यू कितनी है? 120 ग्राम, ठीक है? जब 120 ग्राम है तो आपके पास वाटर कितना बचा? 180 ग्राम, ठीक है? बचा कि नहीं बचा? अब यहां तक किसको समझ में नहीं आया वो बता दीजिए कि 300 ग्राम में आपके पास शुगर कितना है? 120 ग्राम, और वाटर कितना है? 180 ग्राम, ठीक है? यहां तक सभी का क्लियर है। अब इसने कहा है कि जो 50% है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 180%। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? 40%, वो सॉरी 50% की। देखो 50% की वैल्यू आपके पास दी हुई है 180, ठीक है? और निकालनी भी ही 50 की है, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया है, तो आपकी वैल्यू कितनी हुई? 180। यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू आएगी मिलाने के बाद आपके पास चीनी कितनी हो जाएगी? 180 ग्राम। कितनी हुई चीनी? 180 ग्राम चीनी हो गई आपके पास। अब जब 180 ग्राम चीनी हो गई, पहले थी 120 ग्राम, अब हुई है 180 ग्राम, अब बताइए कितना बड़ा है? तो अब तो सभी बता सकते हैं ना कितना बड़ा है? 60 ग्राम। तो ठीक है, जिसका भी आंसर 60 ग्राम है, बिल्कुल सभी का आंसर 60 ग्राम होगा अगर जिसका सही है। और एक आंसर आया था, देखो रोहित का आंसर गलत है क्योंकि उसका 2A हो गया, ठीक है? वो नहीं होगा आपके पास। आंसर प्रियंका का आया है, प्रियंका का 60 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल 60 ग्राम आपके पास, बिल्कुल क्लियर आंसर। अब बताइए, अब तो सभी का क्लियर है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, पकड़ में आई है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको कैसे भी करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? अब फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है फिर सॉल्व कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में पूरा डाउट निकल जाए। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, देखिए और इसको निकालिए, ठीक है? अब इसका राइट आंसर बताना, उसमें उस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल। अब इसका निकाल के बताना है, सभी को इसका आंसर देना है। दूध और पानी दिया हुआ है, 40 लीटर का मिश्रण है, 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए, ठीक है? ये बताना है, ठीक है? हाँ
चलो देखिए निकालिए, देखते हैं अब कहाँ प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आती है। अब किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। निकालिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं। वही करना है जो मैंने बताया आपको, दूध भी दिया हुआ है, पानी भी दिया हुआ है, 40 लीटर का मिश्रण है, 10% पानी है, ठीक है, तो कितना 90% आपके पास क्या बचा है, दूध, ठीक है। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। 5 में क्या बता रहे हो, 3 में आपका क्या है, बी आंसर 5 लीटर। और किसी का आंसर, और किसी का आंसर आया है, किसी का भी आंसर अगर आया हो तो बता सकता है, फिर देखते हैं। चलो रोहित का भी आंसर आया है, रोहित कुमार जी का भी आंसर बी आया है। चल और किसी का बता दें, देखते हैं, निकाल दीजिए जब तक। देखो दूध और पानी दिया हुआ है, दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा 40 लीटर, और ये 40 लीटर किसके बराबर है, 100% के बराबर है, ठीक है, 100% के बराबर है। बी आंसर आया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस अच्छे हैं। इसमें बताना है आपको कि 40 लीटर दिया हुआ है, 100% की बराबर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि मिश्रण में 10% क्या है आपके पास, 10% वाटर है और आपके पास मिल्क है, ठीक है। जब 10% निकालते हो तो कितना होता है आपके पास, वाटर कितना है, ये 10%, ठीक है, और 10% मिल्क कितना बचा, 90%। कारण समझ गए होंगे, जब 10 40 का 10% निकालते हो, 40 का कितना प्रतिशत, 10% निकालते हो तो कितना बचता है, 4, ठीक है, 4 होता है। तो वाटर तो कितना है, 4 लीटर। अगर बात करें मिल्क की तो कितना होगा, 36 लीटर, ठीक है, लीटर में है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसने कहा कि कितना पानी और डाला जाए, यानी वाटर इसमें को कितना और डाला जाए, ठीक है, डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 20%, कितनी होगी, 20%। और इस अब आपके पास जब 20% ये है तो बाकी कितना बचा, 80%। जो वैल्यू आपके पास दी हुई है 80%, आपके पास ये किसकी है, 36 की। तो देखो 80 की वैल्यू आपके पास कितना है, 80 का 36 लीटर, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 20% की आपके पास वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 20 चौक आपका 80 होता है, 4 से काटोगे 4 नाम आपके पास 36, ये आपके पास 9 लीटर है। और 9 लीटर क्या है, आपने मिलाने के बाद में आपके पास जो संख्या आई है वो क्या है, 9 लीटर संख्या आई है, मतलब आपके पास जो संख्या है वो 9 लीटर अब बन चुका है, यानी मिलाने के बाद में 9 लीटर बना है। तो 4 माइनस करोगे तो आपके पास कितना होता है, कितना, 5, ठीक है। तो आपके पास कितना लीटर होना चाहिए, 5 लीटर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 5 लीटर आपका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। अब समझ जाओ कि आपका कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, एक या दो बार क्लास जरूर देख लेना है, तो आपको प्रतिशत में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल आपका, आपको मैंने एक होमवर्क के लिए दिया है, वो क्वेश्चन आप करके लाना, कैसे भी उस क्वेश्चन को करके लाना है आप, ठीक है। फिर हम उसके बारे में कल बात करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग के बाद में और बात करने वाले हैं हम, जो मैंने आपको पहले बता दिया टाइम आपके जो के अंदर सिलेबस में है, टाइम से जो चले हैं, टाइम को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। टाइम वर्क वाला क्वेश्चन है, टाइम वर्क और लेबर वाला, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, वाटर दिया हुआ है और मिल्क दिया हुआ है, 10% आपके पास, देखो मैं यहीं से बता देता हूँ शुरू से, 40% आप, वो सॉरी 10% पानी है,
कि मैंने यहाँ पे 10% लिखा है। अब देखो 10% जब पानी दिया हुआ है तो अब उसके पास मतलब कोई भी अपनी कोई भी संख्या होती है ना, वो अपने आप के अंदर क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, जैसे एक सेव है, अब वो सेव आपको पूरा दिया है तो वो आपके पास क्या है, वो 100% सेव दिया है। अब आपने क्या किया, उसको उसको आधा करके आपने दूसरे व्यक्ति को दिया है, तो आपने जो दूसरे व्यक्ति को दिया है आधा, वो उसके लिए क्या है, 100% है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए वो 100% है, तो वैसे 40 लीटर दिया हुआ है तो इसके अंदर ये 10% है, तो अब बचा कितना, 90%, ये अलग है। अब जब 10% करोगे 40 का, 40 लीटर दिया हो ना, इसलिए इसका 40 का 10% कितना होता है, 4 लीटर, 4 लीटर हो गया। अब बचा कितना, 40 में से 4 लीटर गया तो 36, यानी मिल कितना आपके पास, 36। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसने जो नया मिश्रण में आपको पानी मिला दिया गया है, मिला दिया गया कितना लीटर पता नहीं कितना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, मिश्रण में नया अनुपात देखोगे या नया प्रतिशत देखोगे तो कितना हो जाता है, वाटर 20%। जब वाटर 20% हो जाता है, बाकी उसमें जो बचेगा वो दूध बचेगा, तो 80% दूध रहता है। ठीक है, अब देखो 80% आपके पास दी हुई है, 80% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 36। तो 80 की वैल्यू आपके पास मैंने रख दी 36। वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, 20% की, मैंने 20 भी कर दिया है, तो 4 बार काटोगे 4×9=36। ये जो 9 लीटर आए हैं वो आए हैं मिलाने के बाद में जो संख्या है वो। अब नो आपको पूछा क्या है, इन दोनों के मतलब मिलाया कितना गया है, मिलाया कितना गया है, मिलाया आपको कितना गया वो माइनस कर दो 4। ठीक है, तो 9 में से 4 गए तो आपके पास 5 लीटर, ठीक है, आंसर होगा। चलो आज के लिए इतना ही, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है करने को, कल उसको सोल्व करेंगे पहले, और उसके उसके बाद में जो टाइम और वर्क वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास जरूर देखना है कल की, और क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है इस चैप्टर को निकालने की। टाइम वर्क वाला जो क्वेश्चन चलेगा उसके अंदर क्वेश्चन देख लेना पहले आप, के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहना और ख्याल रखना अपना।